top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. किशन पाल सिंह, इस घटना की जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली? हमें मिली सुबह। अच्छा, बोलो। हाँ, सुबह मिली। क्या नाम है आपका? किशन पाल सिंह। इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? सवेरे मिली, मतलब यह है कि धुआं निकल रहा था 10 बजे लेकर, यानी किचाट मच रहा था, फिर मोहल्ला जुड़ गया, उसके बाद ये बच्चे ये मरी मिली। अच्छा, इनके घर में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? कोई झगड़ा नहीं, एक हस्बैंड है वो नौकरी पे करता है, एक बड़ा लड़का है वो अपनी कोई ट्रेनिंग कर रहा है, जिनके इसकी हस्बैंड, इनके हस्बैंड क्या किस चीज में नौकरी करते हैं? पुलिस में करते हैं वो, बड़ोट बागपत। यहाँ तक पढ़ा है ना, सभी जब हम आए ना सुबह यहाँ तो पढ़ा था, यहाँ पढ़ा है। जलने का कारण पता नहीं लगता है किस कैसे हुआ है, मतलब जंगल में कुछ मर गया गाँव वालों से हाँ, उनके परिवार में से कौन है, उनके परिजन जो खत्म जो हुई है ये नहीं। के जेवर थाने के नीमका गांव में एक पुलिस का कांस्टेबल है हरिराम, जो बागपत जिले के कलेक्ट्रेट में तैनात है। उसकी पत्नी ने और दो बच्चों ने आज आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर अधिकारीगण पहुंच गए। जो जानकारी मिली है कि उसके दोनों बच्चे मानसिक रोगी थे और उनके कारण उनकी पत्नी भी डिप्रेशन में रहती थी और वह भी कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। इसी के कारण प्रथम दृष्टया अभी जो बात आ रही है कि उन्होंने आग लगाकर आत्महत्या की। अब हमारी जांच जारी है, इसमें यदि कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें।